हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यह वीडियो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, भाग नंबर 21 बनाया जा रहा है, लेसन 4 है और इस टॉपिक का नाम है बुलियन अलजेब्रा। टॉपिक मतलब बुलियन रिलेशन आपका चैप्टर का नाम है। टॉपिक आज की है डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में बताएंगे। वीडियो लंबी होगी तो घबराना नहीं है, ध्यानपूर्वक देखना है। अगर बोरिंग महसूस हो तो भाई आपके लिए तो कुछ दवा ही नहीं है उसके लिए, तो आप भाई बहुत धांसू तरीके से बताऊंगा और ये पेपर में 5 नंबर पूरे पूरे आने के चांसेस रहते हैं। और ये दोनों डी मॉर्गन ने 2 थ्योरम दिए हैं और दोनों को समझना होगा आपको। सिर्फ 2 ही 4 पॉइंट लिखने होते हैं, मतलब 4-4 या 5-5 पॉइंट लिखने होते हैं और आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो समझ सकते हो दोस्त कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने कॉलेज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपने कॉलेज के साथ जो स्टूडेंट आपके हैं, इसके साथ आपके जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं और इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तीनों के लिए वीडियो बना दी। या तो कंपटीशन पर्पस कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आ चुके हैं कॉपी पे, अब देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम क्या है। गाइस, डी मॉर्गन थ्योरम पहले इंग्लिश में थोड़ा समझना, फिर हिंदी में तो तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाला जो इंग्लिश मीडियम के होंगे भाई उनको समझ में आ जाएगा। देखिए, डी मॉर्गन थ्योरम इज ए इंपॉर्टेंट थ्योरम इन बुलियन अलजेब्रा। मतलब क्या, डी मॉर्गन थ्योरम बुलियन अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है, बहुत प्रमेय है इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन सजेस्टेड 2 थ्योरम, डी मॉर्गन ने 2 थ्योरम्स की सजेस्टेड, मतलब 2 थ्योरम प्रस्तुत किए, विचार दिए हैं। तो डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, ठीक, द कंप्लीमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। अब इंग्लिश मीडियम वाले भाई अपना समझें, अब हम हिंदी मीडियम पर जाते हैं। अब देखो यहां पे एक चीज है, ये देखो थोड़ा सा एक चीज एरर बनती है, ये देखो 66:9 चलता है इस तरीके से, ठीक ना। इसका मैं सिंबल बता देता हूं, अगर कहीं लगाते हैं तो ये चलता है 66:99 फॉर्म में, मतलब 99 मतलब इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से ऐसे और इस तरह से ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, इसका ध्यान। नहीं तो मैं भाई पहले दोनों इस तरह से किया फिर इस तरह करता था, तो सर ने बताया कि देख लो। तो भाई मैंने मुख में देखा तो गलत मिला, तो मैंने सही कर लिया, इसलिए आपको भी बता रहा हूं। पेपर में इन सब बातों का ध्यान देकर अगर लिखोगे ना तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 में 50 नंबर पाए जा सकते हैं, इसका ध्यान दें। अब देखिए क्या है, किसी योग का कंप्लीमेंट योग में प्रयुक्त राशियों के अलग अलग कंप्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ना, किसी योग में, देखिए योग है यन तक, ए प्लस बी प्लस सी कहां तक, यन तक, उसका कंप्लीमेंट बराबर लगभग होता है, किसके लगभग बराबर दिखाएगा लेकिन बराबर होता है, ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट इंटू सी का कंप्लीमेंट डॉट 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 कहां तक, यन का कंप्लीमेंट तक। यानी कहने का मतलब क्या, योग में प्रयुक्त राशियों के कंप्लीमेंट के उनके अलग अलग गुणनफल के कंप्लीमेंट के मतलब कंप्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां परिभाषा देख सकते हो गाइस। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ करने के तो कई तरीके हैं, लेकिन ये बॉक्स वाला भी बना के प्रूफ कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, बॉक्स वाला भी कर सकते हो। देखिए प्रूफ ए है कि सबसे पहले ए बी लिख लो, ए बी में क्या भरोगे, आपको पता है कि ए बी में जो इनपुट देते हैं 0001 1011 इस 4 इनपुट देते हैं। अब ए बी का कंप्लीमेंट ज्ञात कर लो, ए बी का कंप्लीमेंट, फिर अगला क्या करना है, ए प्लस बी का योग कर दो, तो आपको पता है कि ये चीज मिल जाएगी। फिर जो ए प्लस बी आया इसका कंप्लीमेंट कर दो, तो देख सकते हो 1000 मिल जाएंगे। फिर ए बी का इंटू कर दो, देखो ए इंटू यन हाई हाई करोगे तो हाई मिलता है, और उसके बाद कुछ भी हाई मतलब गुणा करो हाई लो में तो 0 ही मिलता है। तो देख सकते हो ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, इससे थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है। यही प्रूफ करने का तरीका था। सिंबल इसका कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी डॉट इस तरीके से, ए आपका सिंबल हो गया इनपुट वाले का, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ए प्लस बी नॉट वाले का। अब यहाँ देखो एंड में चेंज हुआ, एंड में चेंज हुआ और सबका नॉट करते हुए एंड हुआ है, तो इस तरह से आपके आउटपुट मिल जाते हैं। ये देखो थोड़ा सा बड़ा बन गया इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन साइज बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सिंबल हो जाते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए डी मॉर्गन की दूसरी थ्योरम भी समझ लेते हैं, यही 2 थ्योरम है, आगे हम कुछ और भी प्रूफ के बारे में बताएंगे लेकिन वो उतनी जरूरी नहीं है। और इस वीडियो में हम आपको एक सर्किट भी, सर्किट डिजाइन सिखाएंगे, तो सर्किट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। चलिए डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम कहिए या सेकंड लॉ कहिए, जो भी कहना सब कहिए। अब देखिए क्या है, द कंप्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट। कहने का मतलब क्या, किसी गुणनफल का कंप्लीमेंट गुणनफल या उसमें प्रयुक्त राशियों के अलग अलग कंप्लीमेंट के योग के बराबर होता है। जो दोस्तों हमने फार्मूला देखा वही कर दिया,
फार्मूला दोनों याद कर लेना, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, यही फार्मूला आपका है। ठीक, चलिए प्रूफ भी इस तरह से करते हैं, दूसरे भी तरीके से कुछ लोग करते हैं तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रूफ इस तरह से ए बी आपको बना लेने हैं, ए बार बी बार बनाना है, फिर देखो करने क्या है, ए बी का यहां देखिएगा ए बी का मल्टीप्लाई करना है, यहां पे ए बी का मल्टीप्लाई करना, और ये जो चीजें यहां पे लिख दीजिए मैं इसको मिटा देता हूं, ये चीज बार नहीं रहेगा। ठीक है, हालांकि पेन चल गई थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर ए बी का दूसरे में आपको बार कर देने हैं, यहां पे बार नहीं करने थे, यहां पे बार कर देने जो रिजल्ट आया, मतलब कंप्लीमेंट कर देने। फिर जो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट है इसको आपने जोड़ दिया, तो देख सकते हो गाइस, तो देख सकते हैं कि दोनों चीजें क्या है गाइस, इक्वल है। ठीक है ना, थोड़ा अंधेरा हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी। तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि ये जो चीजें हैं आपको देख रही है ये वाली, दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब सेकंड थ्योरम भी प्रूफ हो जाती है। आइए इसके भी सिंबल को देख लेते हैं, इसका क्या था सिंबल, ये है सिंबल, सिंबल ये आपका सिंबल हो गया। अब देखिए सिंबल दे हो गया, इस तरीके से आपका एंड गेट है, एंडिंग फॉर्म में जो इनपुट इधर दिखाया गया ए वाला चीज, और इसके लिए भी ए वाला बना दिया गया, तो इस तरीके से हो जाता है एंड के साथ ये जो चीज़ है इसी का उल्टा हो गया पुराने वाले का। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए यहाँ कुछ बता दिए गए, जिसको ना समझ में आया बिल्कुल मंद बुद्धि का है वो ये चीज़ समझे। ठीक है ना, मंद बुद्धि भाई मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मंद बुद्धि वाले जो होंगे वो भाई बुरा मत मानिएगा, कह दिया सिर्फ मेथड ऑफ यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप फट, सभी वेरिएबल आउटपुट को कंप्लीमेंट कीजिए, सभी इनपुट का एंड या आर में परिवर्तित कीजिए, अब उस सर्किट के अनुसार होगा। तीसरा क्या क्या स्टेप होगा, समीकरण के अनुसार एंड या आर का कंप्लीमेंट कीजिए, ये भी सर्किट जो आपका जो ट्रू टेबल था जो बना था अभी उसके अकॉर्डिंग होगा बस, और समीकरण के दोनों पक्षों लेफ्ट एंड राइट को बराबर कीजिए, हो गया आपका प्रूफ। डी मॉर्गन थ्योरम को देखिए प्रूफ कीजिए, आपको क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ देगा डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूफ कीजिए, तो आप किसी एक को प्रूफ कर सकते हैं डी मॉर्गन, दूसरे को अगर दोनों को प्रूफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको, एक्स वाई है जो इसको मतलब ये जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग पर ये बना है। ठीक है, ऐसे अगर मान लो पेपर पूछ दिया तो क्या करना है, एक्स वाई है दोनों का कंप्लीमेंट करना है, फिर क्या करना है एक्स वाई का गुणा करके, फिर एक्स वाई जो गुणा किया उसका कंप्लीमेंट कर देना, फिर इन दोनों को जोड़ देना, यहाँ पे देख दो दोनों बराबर आएगा, आपका प्रूफ हो गया, मेथड सेकंड वगैरह है। ठीक है, तो आपका मेथड सेकंड है, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जो अभी हमने बताया, जो गाइस अभी हमने आपको बताया, क्या बताया हमने, हमने ये बताया कि बुलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं डी मॉर्गन प्रमेय का। यदि पहला स्टेप ये है, स्टेप फर्स्ट में यदि दो या दो से अधिक पदों पर बार है तो उसे डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करें, स्टेप टू फिर बुलियन अलजेब्रा का पालन करें तथा सम अलजेब्रा को सॉल्व करें। जैसे एक एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, हम इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले गाइस हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या था दिया गया, देखिए वाई इज इक्वल टू दिया गया था ए बार, ठीक है ए बार ए बी, एक सेकेंड गाइस, वाई इज इक्वल टू दिया गया था ए बी बार प्लस सी, ठीक है प्लस सी का कंप्लीमेंट ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता देता हूँ किस तरीके से, कंप्लीमेंट ज्ञात कीजिए या तो बोल देगा जो चीज़ें करनी होगी वो करना है। ठीक है ना, कंप्लीमेंट कर दिया तो आपको पता है कि अब वो जोड़ में है घटाना में सब कुछ मिल के आएंगे, मतलब जोड़ घटाना नहीं आएंगे, गुणा और जोड़ में आते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में आते हैं। तो देखिए कहा गया था इसका क्या कीजिए, इसका क्या कीजिए कंप्लीमेंट कीजिए, क्या कीजिए कंप्लीमेंट आपको करने हैं। तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट का मतलब होता है a a b बार, ठीक है प्लस c है, अब कंप्लीमेंट का मतलब ये था ये पूरे का आप कंप्लीमेंट कीजिए। ठीक, अब देखो कंप्लीमेंट क्या होगा, अब देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या बताया था योग में प्रयुक्त राशियां, ठीक है ना, देखिए हमने क्या बताया था, हमने यही बताया कि योग में प्रयुक्त राशियों का अलग अलग कंप्लीमेंट का गुणनफल होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, देखो ए बी का ए बी के ऊपर बार है और इस होल के पावर बार हो जाएगा इंटू सी के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक हो गया, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जब इसको करना है, इसको करना है, अभी देखिए इसके ऊपर तो बार है ना, इसको निम्न तक ले जाते हैं जब तक पूरा ना हो जाए। ठीक, इतनी चीजें हो जाती हैं। अब देखिए एक गुणनफल का जब बार आ गया तो हमने बताया कि गुणनफल केस में उनका अलग अलग मतलब कंप्लीमेंट का योग होता है। यानी इसकी बात करें तो ए का कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट डबल कंप्लीमेंट इंटू सी का कंप्लीमेंट। अब देखो डबल कंप्लीमेंट को हम क्या लिखते हैं, ठीक है वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डबल कंप्लीमेंट को हम क्या लिखते हैं,
ए प्लस डबल कंप्लीमेंट को बी हो जाता है, ये बार रहेगा और इंटू सी बार रहेगा। अगर वाई इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार सी बार प्लस बी इंटू सी बार, ठीक है। और गाइस आपके आंसर यही हो जाएंगे। ठीक इसी के आधारित पे हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रहे हैं, या तो जो क्वेश्चन लगाए गए हैं वीडियो थोड़ी सी पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी देखो जब तक करते हैं जब तक कि बिल्कुल सरल, अब ये इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता। बस अब इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको बनानी है तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट मैं बनाना यहीं पे बता देता हूँ, फिर अभी वीडियो में तो भी बताऊंगा लेकिन यहाँ बता देता हूँ। पेंसिल से आपको बनाने हैं, 4B पेंसिल से, इससे मत बनाइए, हम तो आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए ए बी सी तीन वेरिएबल हैं, तो आपको क्या करना होता है कि तीन लाइनें खींच लेनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिएगा एक दो और तीन लाइनें खींच लेती है। फिर देखिए बार लगा है दोस्तों, बार का मतलब होता है एंड गेट, ठीक है, एंड गेट लगा है, ठीक है, एंड गेट लगा है। तो इस तरीके से देखिए एंड गेट आप बना लीजिए इसके लिए। अगर हम इसको ए मानते हैं तो एंड गेट है तो इसका ए बार हो जाएगा, अगर हम इसको बी मानते हैं और इसके लिए हम एंड गेट लगाते हैं तो ए हमारा क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसको सी कर लेते हैं, अगर हम इसको बार में चेंज कर लेते हैं तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सी बार हो जाएगा। इतनी चीज़ें बन जाती हैं, हम क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, डिज़ाइन सर्किट कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम बहुत सारी सर्किट डिज़ाइन करने वाले हैं इसी की मदद से। अगर ये नहीं आएगा तो डिज़ाइन सर्किट आपको नहीं आ पाएगी, तो समझना जो कहा गया था इसमें जो वेरिएबल्स दिखे उसके अकॉर्डिंग खींचनी है। फिर अब देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि ए सी बार से एंडिंग की गई है, तो हम देखिए क्या करेंगे, ए सी बार के लिए हम एक एंड गेट बनाएंगे। तो देखिएगा ए बार और इसका दोनों का क्या किया हमने, एंड गेट बना दिया। फिर कहा रहा है कि ए बार से जोड़ो और सी बार से जोड़ो, तो देखो हम ए बार से पहले जोड़ेंगे, देखो ए बार यहाँ पे है ना, तो ए बार से यहाँ पे है, तो देखो ये देख लो इधर आ गया कि नहीं, ए बार के पास जुड़ गया कि नहीं, जुड़ गया। फिर किससे बोला, सी बार से, तो सी बार से देखो यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे इस तरह से इसका आउटपुट आ गया। फिर देखो अभी तो हमने सिर्फ ए बार सी बार के लिए किया है, किसके बार के लिए, ए बार सी बार के लिए हमने किया है। अब देखिए फिर कह रहा है बी बार इंटू, मतलब एंड गेट फिर कह रहा है सी बार से करने को, फिर से एंडिंग करने को। तो देखिए हम क्या करेंगे इस तरीके से, मतलब एंड गेट अपना बना लेना भाई अच्छे से इस तरीके से। फिर कह रहा बी से पहले जोड़ो, तो देखो हम बी से सबसे पहले जोड़ लेंगे। फिर किससे बोला, फिर कह रहा सी से जोड़ लो, तो देख सकते हो हमने सी से भी जोड़ लिया और ये क्या है आपका बी इंटू सी बार हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों दोस्तों कह रहा है कि आपको क्या करना है, दोनों का फिर आर करना है, यानी एक आर गेट बनाओ इस तरीके का, ये देख सकते हो आर गेट बन गया इस तरीके से, ले जाओ इसके यहाँ मिला दो इनपुट के फॉर्म में और यहाँ आउटपुट पे आपको क्या होगा, आउटपुट पे यहाँ प्राप्त होगा वाई इज इक्वल टू, आपको प्राप्त हो जाएगा जो चीज़ें हैं, मतलब ए बार सी बार प्लस बी सी बार, आपको ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी गाइस। तो कहने का मतलब इस तरह से दोस्त डिजाइन सर्किट होता है, हम सबका नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, इसीलिए से हम कुछ का एक का आपको अच्छे से समझा दिए, समझ गए होंगे। इसी तरीके से यार कर लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपका सर्किट डिज़ाइन इससे बचता है तो व्हाट्सएप पे जरूर भेजना, हम उसको करने की पूरी कोशिश करके आपको जल्द जल्द सॉल्व प्रोवाइड कराएंगे उसका, ठीक है। तो चलो यार अब इसको हम साइड में रखते हैं, कुछ और चीज़ें हैं उनको बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल नंबर ए है, ठीक है, एक एग्जांपल, यदि जेड इज इक्वल टू क्या है, देखिएगा ए क्या है, ए बार है प्लस सी है इंटू बी इंटू डी बार का कंप्लीमेंट ज्ञात करना है। तो क्या होगा, कंप्लीमेंट का मतलब पूरा कंप्लीमेंट है, अभी हम अंदर को नहीं छेड़ेंगे, अभी हम देखेंगे जो पहले बीच में कोष्टक में उसको देखते हैं। तो बीच में क्या एंड है, एंड है तो आपको पता है कि आर में तोड़ा जाता है, अलग अलग योग होते हैं, तो दोनों का कंप्लीमेंट आर हो गया। फिर देखो फिर आपको ये पता है दोनों का आर का पूरा कंप्लीमेंट है, तो आर को एंड में चेंज किया जाता है, तो दोनों को एंड फॉर्म में, ये देखो एंड का चिन्ह अलग, मैंने प्लस कर दिया था लेकिन सही कर दिया हूँ, तो यहाँ पे एंड फॉर्म में इसको चेंज कर दिया गया, लेकिन बीच में क्या प्लस चलता रहेगा। फिर डबल कंप्लीमेंट हुआ भाई, तो उसको मतलब खत्म हो जाता है, वही चीज़ बच जाती है, तो जो चीज़ें बची उसी को लिख दो, आपके रिजल्ट भाई हो जाते हैं। ये एंड है, ठीक है, एंड है, एंड है, तीसरे से हो जाते हैं आल हो जाएगा। इसका डिजाइन सर्किट कर सकते हो आप, तो इसका कर लेना, हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो करके। अब चलो यार इसी तरीके से इसको भी कर सकते हो, देख सकते हो आर था तो एंड करते हैं, फिर एंड कर लिया तो अब यहाँ छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, फिर जो एंड है उसको आर करो, तो इस तरह से देख कर लोगे यही मिलेगा। फिर उसी तरीके से ए बी सी का कंप्लीमेंट करोगे, देख सकते हो पूरे का कंप्लीमेंट करोगे, तो आपको पता है कि जब गुड़ा में होता है एंड होता है तो उसका आर हो जाता है, तो आर ऑपरेशन करना, डबल कंप्लीमेंट का वही आ जाता है, तो आपका इस तरह आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं इस तरह से, हम कुछ डिजाइन सर्किट आपको दिखा देते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर जाएं। जो देखिए अभी ए प्लस, देखो ए प्लस बी बार प्लस सी, देखिए डिजाइन सर्किट ऑफ डिजिटल सर्किट, हमने डिजिटल सर्किट की डिजाइन की है। तो देखो ए बी सी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यब तक चल रहा है तो इस तरह यब तक ले जाएंगे,
उसके साथ अगर एंड नॉट वाले का काम होगा तो नॉट भी उसी में बना लेंगे, ठीक है। ये जो चीजें यहाँ नहीं लिखी गई, ये जो चीजें एंड का प्रयोग करें तो ए नॉट बन गया, ए आपका बी नॉट बन गया और ये आपका सी नॉट बन गया, तो इसका ध्यान रहे। तो करते क्या है कि ए दिख रहा है था, ए दिख रहा है तो ए को अभी मत छेड़ो, क्योंकि ए दिख रहा है भाई सिंगल है, उससे हमसे नहीं मतलब है। फिर हमको क्या दिख रहा है, बी बार सी एंड के साथ दिख रहा है, ठीक है। तो एंड बना लो, फिर आर दोनों का किया तो जोड़ लो भाई, बन गई सर के। उसी तरीके से इसकी भी बना सकते हो, देख सकते हो कैसे मैंने बनाई है, इसी तरीके से देख सकते हो पूरी सर्किट बन के तैयार हुई। फिर उसी तरीके से देखो यार कुछ और सर्किट्स हैं, ये चीज़ें शॉर्टकट में ये सर्किट बनती है, शॉर्टकट में अगर बात करें तो ऐसे भी बन सकती है, लेकिन आपको ये वाली बनानी होगी। और हाँ, पेंसिल से बनाइएगा और 4B पेंसिल यूज़ कीजिएगा पेपर में, उससे आपकी जो ए है थोड़ा मोटा चलता है और पेपर भाई बता ना एकदम धांसू लगता है इसका, अगर आप इससे फिगर बनाते हैं 4B वाले से, या 5B ले सकते हो, लेकिन 4B ज़्यादातर के यूज़ करना कोशिश करके। अब 3B जो होगा, मतलब तीसरे क्वेश्चन को देख सकते हो, इस तरह से बड़ा वाला क्वेश्चन था, ABC में वेरिएबल था तीनों के लिए, बड़ी सर्किट बनी, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये जो नीचे जाती है इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कहेगा आर के लिए तो आर वाला बनाना, एंड कहेगा तो एंड के लिए बनाना। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, सबको बोला एंड एंड बना लो तो सबका एंड बना लिया गया, फिर बोला कि जितना एंड बनाया उसको आर कर दो तो हमने आर कर दिया भाई, बस सिंपल है यार एकदम धासु। अब कुछ चीजें पेन से भी कर दी हैं, लेकिन उससे कोई डरने वाली बात नहीं। ये देख सकते हो इतना होमवर्क आपके लिए है, हमने होमवर्क सब सॉल्व कर लिया, इसलिए हम इसको नहीं दिखाएंगे अब आपको, क्यों, क्योंकि भाई वीडियो लंबी हो रही है। अभी और भी चीजें आपको इसमें बनानी है, डी मॉर्गन थ्योरम में, तो ये चीजें हैं इसको आप सॉल्व, मतलब इतनी चीजें हैं इसका आपको क्या करना है, कंप्लीमेंट करना है एंड डिजाइन सर्किट करनी है, ठीक है। इन दोनों का कर लेना अपना भाई। अब चलो हम सीधे चलते हैं भाई अपने मुद्दे की तरफ। अब देखो सब कुछ सॉल्व हो गया, अब इतने करने के पढ़ने के बाद आपको पता आगे हेडिंग आती है एडवांटेज ऑफ बुलियन सिंप्लीफिकेशन। बुलियन सिंप्लीफिकेशन का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज ये है, अतः इसमें कम गेट लगते हैं अगर इसका यूज करेंगे। देखो ऐसी सर्किट बनाओगे फिर उसके बाद यक्स आर गेट जो होता है कभी कभी बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे बन जाते हैं, तो भाई एक ही यक्स आर गेट लगा दो, यक्स आर गेट अगर बनाते हो तो कई ठो मतलब बहुत सारे आपको मतलब बहुत सारे मतलब 4-5-10 हो जो भी आपको लगाने पड़ेंगे, बेसिक गेट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम कहीं पर बेसिक गेट ढेर सारे लगाने के बजाय हम एक यक्स आर गेट का प्रयोग कर दें तो आसान हो जाता है ना, तो यही बात हम कहना चाहते हैं। तो कम गेट लगते हैं, पावर लॉस कम होगी अगर गेट कम लगेगा, और भैया खर्चीला भी तो कम होगा, और स्पीड तो भैया बहुत तेज होगी, एकदम फास्ट होगा, और दूसरा फास्ट डीले होगा। फास्ट डीले का मतलब क्या, त्रुटि कम होगी, बिल्कुल फटाफट काम होगा, वजन में भी हल्का होगा, एक रहेगा भाई, लाइफ लॉन्ग होगी। तो ये रहे बुलियन सिंप्लीफिकेशन के एडवांटेज हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं डुअल्टी प्रिंसिपल क्या होता है, डुअल्टी प्रिंसिपल के बारे में समझिए, ये पूछेगा नहीं लेकिन आगे काम है इसका, इसलिए बता रहे हैं। इस सिद्धांत के द्वारा हम किसी बुलियन संबंध को दूसरे संबंध में परिवर्तित किया जा सकता है। डुअल्टी प्रिंसिपल के द्वारा आप किसी बुलियन सिद्धांत को दूसरे बुलियन सिद्धांत में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी बुलियन संबंध का डुअल प्राप्त करने के लिए, किसी भी बुलियन संबंध का डुअल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए प्रत्येक, फर्स्ट में प्रत्येक आर ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में और एंड ऑपरेशन को आर में चेंज करो, ठीक। दूसरा ए कि प्रत्येक एक को, यानी यही चीज फिर से बोली जा रही है, एक को जीरो में तथा जीरो को वन में बदल लेते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूं, इसको याद कर लेना, अगर ए नहीं याद रहा तो आगे कार्नाट मैप वगैरह तो बिल्कुल नहीं आएंगे, फिर मत कहना कि हमको भैया कार्नाट मैप नहीं आया, मतलब कार्नाट मैप का पूरा नाम होता है के मैप, शॉर्टकट में बोलते हैं, तो के मैप भी बहुत जरूरी है, 5 नंबर को वहां से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे उसमें लूपिंग करनी होती है और लूपिंग बहुत कम आती है, लेकिन हम जब बताएंगे भाई दोस्त ना, तो आपको एकदम धुआं धुआं जैसे आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आसान कहीं और नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर छान मार डालो, ठीक है। सीरियल नंबर है, डायरेक्ट नेचर का होता है एक डुअल नेचर का होता है, डुअल्टी प्रिंसिपल में एक डायरेक्ट नेचर, डुअल्टी नेचर। जो डायरेक्ट नेचर होता है उसमें आर प्रक्रिया करते हैं, जो डुअल नेचर होता है उसमें एंड प्रक्रिया करते हैं, इसलिए प्लस दिखाया हूं और यहां एंड का चिन्ह दिखाया हूं। आर में क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, जो पुराने अभी हमने नियम 19 बताए वही चीजें यहां भी की गई हैं, तो समझ लिए आप, ठीक है। उसी तरीके से एंड प्रक्रिया भी यहां दिखा दी गई, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, अभी साथी अभी 9 हैं तो इसको याद कर लो। अब देखो यार इधर देख लेते हैं, 2 प्रक्रिया इधर है तो इसको याद कर लेना। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, सम टर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, यही 2-3 टॉपिक है, इसको जान लो और आपका आज की टॉपिक समाप्त हो जाएगी। अगली वीडियो में हम आपको तब के मैप स्टार्ट कर देंगे, ठीक।
तो प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, एक सिंगल चर या कई चर को एंड करके मतलब गुणनफल टर्म प्राप्त होता है। एक सिंगल चर या कई चर को एंड करके, एंड मतलब क्या, गुना, गुना करके गुणनफल टर्म प्राप्त होता है। जैसे एक्स वाई है तो देखो मल्टीप्लाई किया, इसके बाद मतलब कोई बार उस सेम से नहीं, मतलब मल्टीप्लाई किया ना तो प्रोडक्ट टर्म प्राप्त हुआ। प्रोडक्ट से नाम से स्पष्ट है, प्रोडक्ट मतलब गुणा, सम टर्म मतलब योग, योग जोड़ना आपको बताता है, एडिशन, ठीक है। एक सिंगल चर या कई चर को आर, आर मतलब सम करके सम टर्म प्राप्त करते हैं। जैसे एक्स वाई मान लो है तो एक्स प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई, इस तरह से करके हम बना लेते हैं। अब हम अगला देखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का एक और नाम होता है मीन, एम आई एन टर्म, टी यू आर, एम मीन टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में सॉप बोलते हैं, एस ओ पी। सॉप समीकरण एक गुणनफल टर्म का, विभिन्न गुणनफल टर्म का आर होता है। देखिए अगर मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट कर दें तो इसका मतलब पहले प्रोडक्ट करना है फिर सम करना है, पहले प्रोडक्ट करना है फिर सम करना है। तो देख सकते हो पहले सबके प्रोडक्ट किए, इसका प्रोडक्ट किया गया, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, फिर सबका योग किया गया यानी सम किया गया, ठीक। इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट आप सम है और ये आपकी लास्ट टॉपिक है। तो ये देखिए प्रोडक्ट आप सम, प्रोडक्ट आप सम का मतलब क्या है और क्या चीजें हैं इसको समझिए। पॉस, पॉस मतलब प्रोडक्ट आप सम, पहले सम होगा फिर प्रोडक्ट होगा। पॉस समीकरण कहें या तो पॉस में एक या विभिन्न टर्म, ठीक है, एक या विभिन्न सम टर्म का एंड प्रोडक्ट होती है। यानी देखो पहले सब ऐड होंगे मतलब सम चीज की, मतलब सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसका जो आएगा उसको हम एंड कर देंगे, बस वही चीज होती है। तो देखो कार्नाक मैप है लेकिन इंपॉर्टेंट हमने लगा के रखा है, अगली वीडियो के लिए है, ठीक है ना। तो हम तीन ही में एंड किए भाई। तो आई होप आज का आपको जो वीडियो लेक्चर है वो पसंद आया, काफी लंबी वीडियो थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहते हैं और इस वीडियो को अपने कॉलेज में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके भी स्टूडेंट आपके साथ अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अब मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में कार्नाक मैप के साथ।